हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फिलहाल कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, एक वीडियो डाला था मैंने, लोहड़ी माता आ रही थी वो, तो उसमें एक कमेंट किया था, पता नहीं है सिस्टर थी या भाई था, तो उनने कमेंट किया था कि लोहड़ी माता एक साथ दस दस में कैसे आ सकती है, सब कुछ नाटक होता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, लोहड़ी माता कभी किसी में आती नहीं है, जो कि लोहड़ी माता की जो सेवक दासियाँ होती हैं, जो कि कई चीज़ों से जैसे आपको क्लियरली पता चलेगा, जो भक्तिन होती हैं वो बता सकती हैं आपको अच्छे से। हम थोड़ा फ्लो में नहीं, मतलब वैसे बता सकते हैं, जो लोहड़ी माता की दासियाँ होती हैं, मतलब जो रानियाँ होती हैं, लोहड़ी माता स्वयं नहीं आएगी। जिस दिन किसी में लोहड़ी माता स्वयं आ गई तो भाई वो झेल नहीं पाएगा उनका प्रकोप, जो उनका प्रकोप है वो भाई किसी में झेलने की ताकत नहीं है, इसलिए स्वयं लोहड़ी माता कभी किसी में नहीं आती। एक साथ 50 में भी आ रही है तो इसका मतलब उनकी दासियाँ, एक लोहड़ी माता किसी में भी नहीं आ सकती, जब आएगी तो वो उनका जो प्रकोप है वो नहीं झेल पाएगा। तो भाई चलिए आपको और दिखाते हैं कैसे लोहड़ी माता आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और एक पर अपना प्यारा सा आप भी कमेंट करें, जिसके नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कमेंट का आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं और आपको जो लोहड़ी माता आ रही है वो दृश्य दिखवाते हैं। आ रही हैं और कई लोगों में आती हैं, जैसे कि आप आते हो, आए हो यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी फिलहाल मतलब थोड़ा भीड़ कम है, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे लोहड़ी माता, जैसे कि अभी इधर से और आवाज़ आ रही है तो इधर भी आ रही है। चलिए आपको और दिखाते हैं। तो यहाँ पे कईयों को परेशानी रहती है, जो कि पूछते हैं या भाई जो भी किसी के क्वेश्चन रहता है मन में तो वो कमेंट कर सकता है, नेक्स्ट वीडियो में उसको उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी अभी मतलब थोड़ी बहुत भीड़ है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दिन बार में करें कर्फ्यू जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं सभी लोग।